या आज कोई भी हॉकर आके बोलेगा हटा लेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हमको ऑर्डर नहीं है तो पाए वो कोई नहीं आएगा। जो हाथ चलाया है उसका अरेस्ट करें। और हम इसी एरिया में बचपन से रहते हैं और माध्यम का गेट मातरम नाजरी रहते हैं। ग्रैंड ओब्रायल स्ट्रीट के सामने में हॉकर दुकानदार दोनों आमने सामने में, चलिए बातें करते हैं क्या हुआ। हम लोग एक्चुअली श्री राम मार्केट के स्टाफ है। हमारे जो सिक्योरिटी साहब है मकसूद भाई, एक होकर आया आगे उनके ऊपर चार्ज किया है लेडीज लेके, ये गुंडा कहाँ चलेगा बताइए। तीन ऑफिसर तलतला था, ये सॉरी आपका न्यू मार्केट थाना का ऑफिसर के सामने चार्ज किया, ये कब तक चलेगा। दीदी तो बोल दी है मकसूद भाई, और जो चार्ज करने वाला है उसका नाम है रिहान। रिहान हम लोग का एक ही डिमांड है, रिहान को अरेस्ट चाहिए। चलिए अब एक चीज है, हम मकसूद खान श्रीराम मार्केट के सेक्रेटरी। आज सुबह में हम लोग के मार्केट के सामने में, हम लोग के मार्केट के सामने में पार्किंग था तो, और पार्किंग और रेहान खान यहाँ का हॉकर लोग का जो भी यूनियन है वो हमको ऑर्डर देता है कि हम लोग को थाना से इन्फॉर्मेशन मिला पार्किंग हटाने के लिए, तो हम बोला कि भाई आपके बात पे हम लोग नहीं आएंगे जब तक के थाना पुलिस प्रशासन से कोई भी हमको नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन, हम नहीं करेंगे, हमको थोड़ा समय दीजिए। लीगल पार्किंग है लेकिन हम लोग को कोई थाना से इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो जो वो हॉकर है यूनियन भी है, वो अपने श्रीराम मार्केट में भी दुकान रखा है, तो हम लोग का एक ग्रुप है उसमें भी है, वो ग्रुप में डाल दिया कि हम बोल रहे हैं कि सब मिल के पार्किंग हटाओ। तो हम बोला भाई ये तो कमिटी की डिसीजन लेगा हटाना है कि तुम क्यों हटाते, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए। मेरे ऊपर सब मिल के धक्का धुक्की करने के लिए और धमकी हमको दिया गया कि अच्छा अच्छा को गैप कर देंगे, तुम लोग को गैप कर देंगे, तो ये क्या हॉकर लोग का सब गुंडागर्दी और कुछ नहीं। देखिए आप एक चीज, अब मैं एक चीज बताते चलो, दुकानदार का कोई इज्जत नहीं रह गया, हम लोग टैक्स देते हैं मार्केट का, दीदी को सम्मान करके लेते हैं, यानी गुंडागिरी अब पूरा चालू हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यू मार्केट ग्रैंड के सामने में और ये श्रीराम मार्केट सिटी मार्केट सब तमाम लोग यहाँ पर सामने में मौजूद है। कल जो है परसों जिस दिन से दीदी का बयान आया है इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ हॉकर्स को लेकर के, फिर उन्होंने यूटर्न लिया कि नहीं इनको रखा जाएगा, फिर उन्होंने एक बात कही कि ये जो डाले जो होंगे 5x3 के होंगे, 5x3 फिट के होंगे, इसमें बहुत सारे इश्यूज भी आ गए। फिर मेयर साहब ने कहा कि भाई ये जो डाला जो जिसका भी होगा वो सेल नहीं कर सकते हैं, फरोख्त नहीं कर सकते हैं, जो जिसका डाला होगा उसको वहीं पर आना होगा, सारे मामले आते हैं। मगर ये दुकानदार शॉपकीपर भी हमारे सामने में मौजूद है, इनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। इनका कहना यह है कि अगर हम दुकान सामने में है, हमारी मार्केट सामने में है, अगर मेरा लीगल पार्किंग है तो हम उसको कैसे हटाएंगे। वही चीज है ना, यही कहने का लीगल कह, और एक हॉकर लोग के बोलने पर हम लोग क्यों करेंगे। प्रशासन थाना हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा तब ना हटाएंगे भैया। क्या आज कोई भी हॉकर आके बोलेगा हटा लेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे नहीं हमको ऑर्डर नहीं है तो क्या वो हम लोग कोई नहीं आए कहाँ कर मुक्का। आप लोग का जो टेंडर है केएमसी का टेंडर पास है, और उसके बाद अगर एक मार्केट के दुकानदार सेक्रेटरी के ऊपर डाला वाला लोग से अगर कोई बात करते हैं तो वो सब हाथ छोड़ देगा, धक्का धुकी देगा। ये नहीं छोड़नी चाहिए, कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। मार्केट का श्रीराम मार्केट का चीफ ऑफ सेक्रेटरी है तो इनका भी एक इज्जत है, इनका भी एक है, इनका श्रीराम मार्केट में 3-4 दुकान एक दो दुकान है। हम लोग हॉकर लोग के लिए इतना कोऑपरेट करते हैं, गर्मी बाहर लगता है एसी खाने के लिए अंदर आ जाता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते एज ए इंसानियत के नाते, टॉयलेट यूज करता पानी यूज करता, हम लोग कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन आप मेरा एक लीगल कॉर्पोरेशन का पार्किंग है, अगर कोई हॉकर आके बोलेगा हटा ले तो हम क्यों हटाएंगे, केएमसी हम क्यों हटाएंगे। अगर वो बात को ये करते हैं तो इन लोग धक्का मुक्के करना चालू कर देता है, ये अच्छा है कि गलत है। फिर से रिपीट कीजिए, हम लोग श्रीराम मार्केट के अंदर में हॉकर लोग को, हॉकर लोग बहुत फैसिलिटी देते हैं, इतना कंफर्टेबल देते हैं, बोलिए पानी यूज करता है, एसी यूज करता है, सब कुछ करता है, जोर से बोलिए। और कितना फैसिलिटी देंगे, सारा हम लोगों का श्रीराम मार्केट में फैसिलिटी मिलता है। बाहर का जितना भी सारा हॉकर लोग है, जितना भी डाला वाला है, उन लोगों को अंदर में टॉयलेट यूज करना, वॉशरूम यूज करना, पानी यूज करना,
पानी बरसात बाहर में अगर हो रहा है तो आकर के मार्केट में रहना, रुकना, टीवी चल रहा है, गेम देखना, श्रीराम मार्केट में आकर के जब भी छत्रो छाया लेते हैं वो लोग। अफसोस साहब, एक चीज बताइए, ये जो रास्ता जो आपने जो बंद कर रखा, क्या डिमांड है? डिमांड यही है, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। आज इन लोग तो गलत गुंडा, जो जो धमकी दिया है, जो ये किया करके किया है, उसको तो कहने कि गैप कर देंगे, उठा लेंगे आप लोग को, धक्का दे देंगे, मार देंगे, तो ये डराना हुआ ना। आप वो ग्रुप में मैसेज दिया था, उसको पूछने के लिए गए थे ना, इसी के लिए मारा ना। एक हॉकर बाहर, एक हॉकर बाहर काटनी, कैसे मेरे मैसेज देता, हटा लो, प्रशासन का काम हटाने का ना, एक दूसरे के लिए ठीक है। बस मैसेज दिखाइएगा, मैसेज पढ़ाइएगा, बोलिए आप। एक श्रीराम मार्केट के ग्रुप में एक आदमी, एक दुकानदार मैसेज देता है कि पार्किंग कि भैया आप लोग पार्किंग हटा लीजिए, प्रशासन बोला है हटाने के लिए। ये पूछने गए कि भैया, ये हमारे श्रीराम मार्केट के सेक्रेटरी मकसूद भैया कि जो हटाना होगा करना होगा, ये प्रशासन आके करेगा, ये पूछने गए, इसके ऊपर एक्शन लेके हाथापाई कर दिए। कौन है वो आदमी, कौन आदमी वो बोलता देख ले, और पुलिस सामने खड़ा था। अगर इसका एक्शन नहीं होगा, एक्शन सीएम ममता दीदी ले रही है, हम लोग को ये टारगेट कर रहा है, हम लोग को टारगेट कर रहा, पूरा मार्केट बंद होगा। ये उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है जो हमारे ग्रुप में भेजा है, इसको सुनिए। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आप पूछने गए थे, हॉकर का पैसा से देश चलता है, हॉकर को मिला के मीटिंग कर रही है। सुनिए, सुनिए वॉइस, धमकी दिए है, बोला नहीं, सबको साइलेंट हो, सब साइलेंट हो, सब कुछ चलेगा नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, लाइव दिखाइए ना, ये धमकी है मार्केट के दुकानदार वाले लोग, कहिए कि आप मोटरसाइकिल उठा दीजिए, हम आप अपना मोटरसाइकिल हटा है, तो पूरा वॉइस रिकॉर्ड बोला गया है कि आप अपना बाइक हटा लीजिए, नहीं हटाइएगा तो आपका हम लोग जिम्मेदार नहीं है। ये कौन है, इनका जगह है, ममता दीदी इनको दिया ऑर्डर किया, तुम हटा के फेंक दो, ये हम लोग का टेंडर पार्किंग है, ये गुंडागर्दी है कि तू नहीं, कि हम लोग उसका पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम लोग का गाड़ी को बोलता ब्लेड से काट देंगे, ये कर देंगे, फेंक देंगे, इतना गुंडागर्दी कैसे चलेगा? हम लोग तो टैक्स दे रहे, जीएसटी दे रहे, सब कुछ दे रहे, उसके बावजूद भी हम लोग सफर करते रहेंगे, अपनी मोटरसाइकिल का पार्किंग का हम लोग का सेफ्टी नहीं है। सही बात है, देखिए यहाँ पर जो है, क्या डिमांड है आप लोग की, डिमांड क्या? अरे सोना चाहिए, जो लीगल एक्शन है होना चाहिए उसके ऊपर, क्यों नहीं होगा लीगल एक्शन? लगा सकता हाथ नहीं लगा, ये जो एक्शन लिया है तो दीदी लिया है, इसमें तो हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग करोड़ों रुपया में जो दुकान लेकर इनकम टैक्स, स्टेट लाइसेंस, जीएसटी दे रहा है, और लोग फ्री में बैठ के बाहर का मजा ले रहा है, और 20-20 फुट का दुकान लेकर बैठा हुआ, हम लोग का बाल बच्चा घर परिवार नहीं है, हम लोग भूखा मरेगा। हम एक एक डाला एक दुकान में हम लोग चार चार पांच पांच आदमी के संग काम करते हैं, हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हम लोग कैसे करेंगे? हम जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हम सारा दुनिया का झमेला लेते हैं, और हम लोग का कोई लफड़ा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, और ये उतना गुंडागर्दी करके जबरदस्ती सबको बोल रहा है कि मारेंगे पीटेंगे, सब मेरा जगह है। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, प्रशासन पूरा मैसा खा रहा है, उसके साथ सब मिला हुआ है, चाहे वो लोकल थाना हो, चाहे लोकल नेता मंत्री हो, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको देखे, और जो हाथ चलाया है उसको अरेस्ट करें। और हम इसी एरिया में बचपन से रहते हैं, और माचपेन का गेट, दीपक कुमार सिंह, मैं इसी 46 वार्ड का रहने वाला हूँ, बचपन से ही पड़ा, शॉप नंबर 105, शॉप नंबर 126, यस सर 126, तो हम इसका इमीडिएटली उसको एक्शन लिया जाए और उसको अरेस्ट करें, और ये मैसेज प्लीज अभी तक दीदी के घर तक जाए, नहीं तो हम लोग कालीघाट अभी, हाँ नहीं तो हम लोग सब मार्च करते हुए, नहीं तो हम लोग मार्च करते हुए इसी अवस्था में कालीघाट जाएंगे, अभी इसी अवस्था में कालीघाट जाएंगे। यहाँ पर जो है दुकानदार लोग जो है यहाँ पर जो है समझे रास्ता बंद कर चुके हैं, ये मार्केट के दुकानदार है, कल हमने हॉकर्स को दिखलाया, आज मार्केट के दुकानदार को दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामला चल रहा है, नहीं चल रहा है। दुकानदार का भी कहना है कि हमारे दरमियान टसल हो रहा है, मैंने हॉकर के बारे में कुछ नहीं कहा था, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कह रहे हैं, मगर हम लोगों ने यहाँ करोड़ों रुपये की दुकान ले रखी है, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब चीज़ देते हैं, ट्रेड लाइसेंस बनाए हुए हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब चीज़ को लेकर
लेकर के कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी पार्किंग है तो लीगल पार्किंग है, टेंडर पार्किंग है, केएमसी से परमिशन लेकर के हमारी पार्किंग है। अगर हमें कोई हटा सकता है तो केएमसी हमें नोटिस देगा, फिर हम लोग उसके बारे में सोचेंगे करेंगे। मगर कोई आम आदमी या कोई हॉकर आकर के पार्किंग को हटाने के लिए कहता तो हम कैसे हटाएंगे। चलिए, पूरा रास्ता इस तरीके से है और जो लोग भी हमारे साथ सरप्राइज न्यूज पर डायरेक्ट लाइव चल रहा है, हमारे पेज में फॉलो करके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपकी बात ईमानदारी के साथ उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ये सबके पर भी है, ये पूरा रास्ता जो बंद पड़ा हुआ है और भी हम आगे की तरफ जाते हैं, दोनों रास्ता को बंद कर दिया गया। ये सामने में देख सकते हैं ग्रांड होटल है, ये मार्केट, ये ग्रांड होटल को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रांड होटल है, सामने में कैमरामैन को ये देखिए, ये श्रीराम मार्केट है। श्रीराम मार्केट के यहाँ पर दो शॉप्स कीपर हजरा सामने में है, लिंसे स्ट्रीट है, सिटी मार्केट है, सिटी मार्ट वगैरह है, सब शॉप्स कीपर्स वगैरह है। इधर दुकानदार हजरात प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये ग्रांड का फ्रंट लाइन है, ग्रांड का पहला फ्रंट लाइन हम दिखा दे रहे हैं। इसी के अगर बैक पोर्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर हॉकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कलकत्ता शहर प्रोटेस्ट का शहर है, जलसा जुलूसों का शहर है, एहतजाज का शहर हो चुका है। चारों तरफ लोग जो है एहतजाज पे ही एहतजाज है। चीफ मिनिस्टर का जब से बयान आया है कि लीगल इंक्रोचमेंट, गवर्नमेंट की जगह पे जो भी गैर कानूनी कब्जा है उसको हटाया जाएगा, फिर उन्होंने बात को मतलब दूसरी तरफ से टर्न लेते हुए कहा कि मैंने हटाने की बात नहीं की, हमने शॉर्ट करने की बात की है। कोई भी परमानेंट पक्का वगैरह जो बना करके उसको हटा देना है, शटर अगर फुटपाथ पे लगा दिया उसको हटा देना है, जो परमानेंट शॉप की तरह बना करके उसको हटा देना है। कहने का मतलब सारी बातें हैं। कल मेयर साहब का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखलाया था, मेयर साहब का एक मार्च हुआ था वो भी दिखलाया, फिर हमने वो बात कल हॉकर से भी बात की थी, आज दुकानदार से बात। क्या चाहते हैं आप लोग, बोलिए भाई, बोलिए आप, बोलिए। चलिए सामने में हम चलते हैं, पूरा मार्केट के गेट के सामने पूरा ब्लॉक हो जाता है और लेडीज जो कोई कस्टमर रहती है उससे बहुत बदतमीजी होता है और लेडीज कस्टमर उससे मिसबिहेव होता है। जो आपका बबल जो मारता है, बबल जो मारता है लेडीज लोगों को डायरेक्ट मुंह में मार देता है। आप कस्टमर अगर श्रीराम में घुसने का जगह में वो लोग उलझ जाएगा, डेली का एक झमेला है, डेली एक झमेला होते रहता है। कंप्लेंट क्यों नहीं करते पुलिस में, कमिश्नर? अरे कोई सुनेगा तब तो कंप्लेंट, तो बहुत कंप्लेंट पहले बहुत किया हुआ है, कंप्लेंट बहुत किया हुआ है, इसके कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के मार्केट के बाहर में आज एक घटना हुआ है, हमारे मार्केट के सेक्रेटरी का बदन में हाथ दिया गया है और बोलता है कि सेक्रेटरी को धमकी दिया गया है। शिरा मार्केट के बाहर में ये हमारे मार्केट के सेक्रेटरी है, इनका बदन में हाथ दिया है और उनको धमकी दिया है कि उसको उठा लेगा। बहुत लोगों को देख लिया है, हम लोग को भी देख लो किसको देखा है, हम लोग को भी देख लो किसको देखा है। वो हम बोला थाना से कोई सेक्शन है, इतना पावर कौन दिया उसको? दादा दादा आप यहाँ है, दादा एक्शन नहीं, हमारा सौरभ हाँ ठीक है দাদা হ্যাঁ ঠিক আছে আমি জানি তো কিন্তু অ্যাকশন নেওয়ার পর আমরা ছাড়বো না স্যার আমি হাত জোর করছি আমি পারবো না একটা 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 ভালো মানুষের গায়ে হাত দিয়েছে আর ধমকি দিয়েছে ধমকি তোমাকে দেখে নেব আমাকে থ্রেটিং করেছে আমাদেরকে না আপনি অ্যাকশন নিন আপনি অ্যাকশন নিন বলছে পার্কিংটা সরাও কি আছে ও কর্পোরেশনের লোক পুলিশের লোক ও কে আছে কে আছে ও কে আছে রেকর্ডিং বলছে ওসি বাবু কা পারমিশন উসকে পাস মে হ্যায় আরে ওসি বাবু বললে এক্স্যাক্টলি ওকে ওকে কে আতো আসাদ তো দিল কিউ গায় হাত দিয়ে দিয়েছে কেন হাতে পে গায়ো বাতা পে কিউ হাতে গাস্তা বলবে ও কে আছে आज हम लोग बिजनेसमैन है इधर 50 साल से, ठीक है ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आदमी हम लोग का बदन में हाथ लगाया है, लेकिन आज ये नौबत आ गया है कि हम लोग का सेक्रेटरी का बदन में हाथ लगा दिया गया। इतना पावर कौन दिया उसको? कौन इतना पावर दिया उसको? कौन इतना पावर दिया उसको? वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now